कि लो बजट के क्लाइंट हमारे पास में काफ़ी काफी ज़्यादा है। ज्यादा है। हमारे पास में लो सेगमेंट के अंदर 2007 की सिविक है, ओके, आपको 1.5 लाख रुपीज़ में नेगोशिएबल। 1,50,000 हमारे पास में डिज़ायर है, अच्छा, विच इज़ फॉर 1,75,000 ओनली। मेरे बहुत से भाई हैं जी जिनका बजट नहीं बन पाता गाड़ी लेने का। करेक्ट। मैंने कहा कोई नहीं, रिजवान भाई है हमारे साथ, किस बात की टेंशन है, इंशाल्लाह वो भी दिला देंगे हम। हमारे पास में बाइक के रेट में एक व्हीकल है, बाइक की रेट में नहीं चाहिए रिजवान भाई हमको, बाइक की भी आधी रेट में चाहिए, बाइक की भी आधी रेट में दे देंगे। हाँ ये वही ना भाई, भाई प्रीमियम की बात चल रही है तो रिजवान भाई धमाके पे धमाका देने वाले हैं। अभी तो कुछ बड़ा धमाका नहीं है ना, अभी इससे बड़ा धमाका है। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सब लेके आ गए रिजवान भाई आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया जी, हमने एक्चुअली वही सोच के हमने तीनों ऑप्शन रखा हुआ है, मर्सिडीज भी रखा हुआ है, बीएमडब्ल्यू भी और ऑडी भी। करो कि कहाँ पर आपने वीडियो देखा और कैसे यहाँ तक पहुँचा? मैंने, मेरा भाई कुवैत में रहते हैं, ओके, तो उन्होंने वहाँ पे वीडियो देखा कि ऑडी A8 है। क्या बात है भाई, मम्मी भी कोई ऐसी वैसी प्रीमियम नहीं भाई, जन्नत वाली गाड़ी दिखाएंगे आपको। ब्लैक कलर है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है। ओके, अब रिजवान भाई के पास आए और एक धमाका ना हो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता रिजवान भाई? फिर हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट हम दे सकते हैं, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल फॉर 85,000। 85,000 में भी मिल जाती है रिजवान भाई के पास गाड़ी, मतलब आज तो एक्टिवा की रेट भी 85 से ज़्यादा चल गई है भाई। हाय गाइस, माय नेम इज़ उमर बोपारी एंड वेलकम बैक टू अनदर मिक्स सेगमेंट स्टॉक वीडियो। तो दोस्तों, आज फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका आप हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हो, एंड जब भी कमेंट सेक्शन खोल के देखो तो एक ही डिमांड है भाई, रिजवान भाई की वीडियो कब आएगी, मिलेनियम कारजोन की वीडियो कब आएगी। तो फाइनली वी आर एट मिलेनियम कारजोन डीलरशिप। इस डीलरशिप की हमेशा की तरह एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के स्पेशल शाउट आउट के बारे में बता दूँ, जिन्होंने हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छा कमेंट किया। द स्पेशल शाउट आउट गोज़ टू नीलेश शेवले जी, थैंक यू वेरी मच सर जी, आपने माय कार माय ड्रीम चैनल पे इतना अच्छा कमेंट किया। एंड गाइज, अब चलते डायरेक्टली स्टॉक की तरफ, बट एज़ यूजुअल एक जन से इंट्रोड्यूस कराना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द वन एंड ओनली मिलेनियम कार्स, उनकी शान जान एंड आप सबके चाहिए रिजवान भाई। रिजवान भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। सबसे पहले भाई, पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो? प्रीवियस वीडियो थी, क्या भाइयों ने कुछ कमी रखी प्यार दिखाने में? माशाल्लाह, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि भर भर के प्यार किया हुआ है, ब्लेसिंग्स दी हुई है, दुआ दी हुई है, और ऐसी हमारे चैनल को, हमारे उमर भाई को हमें ऐसी ही प्यार देते रहिए, और हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि हम आगे और जल्द से जल्द अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी रेट में देते रहे, प्रोवाइड करते रहे। तो बहुत बढ़िया। तो रिजवान भाई, फिर आज की क्या बातचीत है, आज हम व्यूवर्स को क्या दिखाने वाले हैं? जैसा व्यूवर्स हमारे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, जैसा उन्होंने डिमांड की है, okay, अभी हमने परचेसिंग पूरा व्यूवर्स के ऊपर ही हमने छोड़ दी है। अच्छा, पूरा डिपेंड व्यूवर्स के ऊपर ही है, जैसा जैसा हमारी डिमांड आती जाएगी वैसा वैसा हम उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। पहले कैसे थे कि जैसा हम जो स्टॉक जो हमारा फास्ट सेलिंग है, हम वो परचेजिंग में हम लोग वो ध्यान दे रहे थे, right, कि उस तरीके से हमारा परचेजिंग था, बट right, अभी ऐसा हो गया कि जैसा व्यूवर्स डिमांड कर रहे हैं, okay, उनकी चॉइस के हिसाब से हम पूरा परचेजिंग हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत बढ़िया जी, बहुत ख्याल रखते हैं रिजवान भाई आपका। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते स्टार्ट, अपनी फर्स्ट कार कौन सी है रिजवान? फर्स्ट व्हीकल हमारी XUV500 है, ओके, W4 मॉडल 2015 की है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, एंड इट इज जेन्युइन 62,000 किलोमीटर ड्रिवन है। डीजल? डीजल, ओके, डीजल। डीजल में एवरेज भी काफ़ी अच्छा होगा आई थिंक। बहुत अच्छा एवरेज है, और एसयूवी कैसा है कि अभी नाउअडेज जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, रोड्स वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो लोग प्रीफर कर रहे हैं, हमें बाहर से भी काफ़ी व्यूवर्स के मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि एसयूवी हमें XUV500 चाहिए, फॉर्चुनर चाहिए, okay, उस वजह से हमने दो XUV500 परचेज किए, okay, एक XUV500 है 2015 की। पहले इसकी प्राइस बता दो रिजवान भाई। इसकी प्राइस है 6.5 लाख रुपीज़। 6.5 लाख रुपीज़ वो आपके लिए, लेकिन भाइयों के लिए? भाइयों के लिए इंशाल्लाह जो भी रहेगा, जैसा लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था, ओनली फॉर हमारे उमर भाई के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर है उनके लिए जो बेस्ट हो सकता रहेगा वो फाइनल हम लोग बैठ के टेबल पे कर लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया जी, चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो नेक्स्ट कार, फिर नेक्स्ट व्हीकल, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमने दो XUV500 खरीदी है, दूसरी वाली जो XUV500 है
वो है ऑटोमेटिक टॉप इन वेरिएंट W10 2017 की टॉप ऑफ द लाइन विच हैज सनरूफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. एक हमने मैनुअल ली है और एक ऑटोमेटिक ली हुई है बिकॉज काफ़ी लोगों को ऑटोमेटिक में ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा लाइक करते हैं ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल रहती है. इसीलिए हमने अभी जो गाड़ी जो खरीदी है ब्लैक कलर की है 2017 की, इमैकुलेट कंडीशन है, इट इज़ ड्रिवन 52,000 किलोमीटर एंटायर सर्विस हिस्ट्री के साथ में है. साथ में तो फिर क्या मांग रहे हो, इतनी खूबसूरत गाड़ी के इतने खूबसूरत पैसे दो रिजवान भाई के रुका ना जाए, बस अभी आके गाड़ी ले ले भाई. 13.50 लाख रुपीज़ 13.5 लाख रुपये. बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इंटरेस्टेड हो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, शॉर्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. चलते हैं गाइस नेक्स्ट कार की और नेक्स्ट कार फिर नेक्स्ट व्हीकल है हमारे. इसमें एक चीज़ पूछना भूल गया, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हो मेरे पेट्रोल डीजल आप बताते नहीं हो, ये एक्सयूवी बता दो पेट्रोल. एक्सयूवी 500 मोस्टली जितनी भी व्हीकल है वो डीजल में ही आती है, 99% जैसा फॉर्चुनर वगैरह डीजल में ही आती है. ओके तो चलते हैं नेक्स्ट कार की और नेक्स्ट कार फिर. नेक्स्ट व्हीकल है हमारी IVTEC 2012 मॉडल. ओके वो सेकेंड ओनर व्हीकल है, किलोमीटर इज ड्रिवन 65,000 किलोमीटर. ओके आप जानते हो भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है IVTEC के लिए स्पेशली. करेक्ट तो ऐसा प्राइस दो वो आप समझ ही गए हो. 3.60 कर देंगे अपन अपने व्यूवर्स के लिए. ओके 3.60 2012 की IVTEC 12 वी मॉडल. वी मॉडल मीन्स टॉप मॉडल. हाँ वी मैनुअल ट्रांसमिशन है. ओके वी इज द टॉप एंड वेरिएंट. वी में ऑटोमेटिक भी आता है मैनुअल भी आता है. दिस इज द मैनुअल ट्रांसमिशन. वाइट कलर है, इमैकुलेट कंडीशन में. ओके नेक्स्ट कार. नेक्स्ट व्हीकल हमारी है रेडिगो. ओके डेटसन की. वो भी हमारे पास में दो व्हीकल है. अच्छा इन द बजट ऑफ ऑप्शन ऑप्शंस जी राइट. दोनों वाइन रेड कलर है, मरून कलर जो बोलते हैं. वन इज 2016 मॉडल एंड अनदर वन इज 2017 मॉडल. ओके 2016 जो व्हीकल है विच इज ड्रिवन अराउंड 55-60,000 के आसपास. अच्छा. चली हुई है वो आ जाएगी 2,25,000 में. और 2017 की जो व्हीकल पेट्रोल है या डीजल है? पेट्रोल व्हीकल है. ओके सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, बोथ द कार्स आर सिंगल हैंडेड ड्रिवन. ओके दूसरी व्हीकल जो है वो चली हुई है सिर्फ 34,000 किलोमीटर. ओके 2017 की, दैट इज फॉर 2.5 लाख रुपीज़ 2.5 लाख रुपया विच इज नेगोशिएबल ओनली फॉर बट ऑब्वियसली वापस से मुझे बोलना ही है तो मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ. सिर्फ हमारे जो यूट्यूब जो हमारे सब्सक्राइबर है व्यूवर्स है और थैंक्स अ लॉट जो इतने अच्छे अच्छे लविंग मैसेजेस भेजे हुए, केयरिंग मैसेजेस भेजे हुए. तो गाइज हम रैंडमली शूट कर रहे थे तो पता चला आज एक बहुत ही स्पेशल डिलीवरी है. तो सर सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. सबसे पहले आपका नाम? अजीम अब्दुल गनी तांबे. तो सर कहाँ से हो आप? मैं हूँ कोकन से. तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि कहाँ पर आपने वीडियो देखा और कैसे यहाँ तक पहुँचे. मैं यानी मेरा भाई कुवैत में रहते हैं. ओके तो उन्होंने वहाँ पे वीडियो देखा कि मिलेनियम कार जोन. ओके जो है वहाँ यहाँ पे अच्छी डिलीवरी सर्विस मिलती है. अच्छा. तो वहाँ पे उन्होंने यूट्यूब आपका जो यूट्यूब चैनल चलता है वहाँ पे उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप जाके वहाँ पे गाड़ी चेक करो. ओके तो मैंने आया अभी पहले उन्होंने वहाँ पे देखा और फिर उनको ही भरोसा बैठ गया कि भाई अच्छी गाड़ियाँ बेचते हैं, अच्छी गाड़ी की सर्विस देते हैं. तो फिर मैं आया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को गाड़ी की चाबी भी मिल गई है. देख लो एक बार चाबी भी दिखा दो. कौन सी गाड़ी ली है वैसे? i10 ग्रैंड लिया है मैंने. क्या बात. और अभी मैं लेके जाऊँगा इंशाल्लाह. चलो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप फुल सेटिस्फाइड हो गाड़ी लेने के बाद. गाड़ी की कीमत भी अच्छी है, गाड़ी भी. या वीडियो में कुछ और दिखाए और आपको कुछ और दे दिया ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं वीडियो जो देखा उससे अच्छी गाड़ी है. उससे अच्छी गाड़ी है. हाँ. क्या बात है भाई. मतलब आप क्या मेरे व्यूवर्स को चाहोगे कि यहाँ से आके गाड़ी परचेस करें? जो भी ये वीडियो देखेंगे तो मैं कहूँगा कि आप भरोसा कर सकते हैं मिलेनियम कार जोन. आप आइए देखिए. ओके और भरोसा करके आप जो चाहिए हर तरह की गाड़ी है यहाँ पे, मतलब फुल सेटिस्फाइड हो. हाँ चलो बहुत बढ़िया जी. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, साथ ही साथ माई कार माई ड्रीम चैनल को भी सपोर्ट करते रहो एंड मिलेनियम कार जोन को भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. गाइस अब चलते हैं डायरेक्टली स्टॉक की तरफ. चलते हैं गाइस नेक्स्ट कार की और नेक्स्ट कार फिर. नेक्स्ट व्हीकल है हमारी डिज़ायर व्हीकल है 2018 मॉडल. ओके 2018 की है, ZXi है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, पेट्रोल वेरियंट है. 6.5 लाख रुपीज़ उसका एक्सपेक्टेशन है अपना. डिज़ायर जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो, इंटरेस्टेड हो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो. चलते हैं गाइस नेक्स्ट कार की और नेक्स्ट कार फिर. नेक्स्ट व्हीकल जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना आप लोग को कि लो बजट के क्लाइंट हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा है. हमारे पास में लो सेगमेंट के अंदर 2007 की सिविक है. ओके
मैनुअल ट्रांसमिशन ओके और सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, ग्रे कलर है, वी मैनुअल ट्रांसमिशन है. किलोमीटर्स वो चली हुई है 75,000 ओके. ग्रे कलर है, वो आ जाएगी आपको 1.5 लाख रुपीज़ में नेगोशिएबल. 1,50,000 सिविक. इंटरेस्टेड हो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, रिजवान भाई के पास अवेलेबल है और रिजवान भाई मान सम्मान ज़रूर रखेंगे आप लोगों के लिए. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट व्हीकल है हमारी 2011 की वेंटो हाईलाइन. ओके. टॉप ऑफ द लाइन डीजल वेरिएंट है. जिस क्लाइंट को डीजल व्हीकल जिनका रनिंग ज़्यादा है लोकल्स में, हाईवे वगैरह पे, स्टेबिलिटी में, जैसा वेंटो इज़ अ जर्मन कार, स्टेबिलिटी में, परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी व्हीकल है. एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली सिटी के अंदर इट विल गिव यू आराम से 15-18 का एवरेज, 15-18 का एवरेज है सिटी के अंदर. हाईवे पे इसका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो एवरेज वाइज 22-24 वन ऑफ द टॉपेस्ट, यू कैन से वन ऑफ द टॉपेस्ट व्हीकल, मतलब वन ऑफ द टॉपेस्ट एवरेज. ओके. अच्छी एवरेज देने वाली वेंटो स्कॉडा जैसी व्हीकल है. स्कॉडा रैपिड भी है. वेंटो जो है वो 2011 की है, हाई लाइन है, डीजल है, ओके, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, वाइट कलर है. तो रिजवान भाई जितना अच्छा इसका एवरेज है उतनी अच्छी इसकी प्राइस बताओ. 3,25,000 वेंटो, जो कि महंगाई की मार से भी आपको बचा देगी. डीजल एवरेज, डीजल में हाई लाइन. इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट कर सकते हो. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट व्हीकल है हमारी 2016 की रैपिड, स्कॉडा रैपिड, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. ओके. जिनका रनिंग ज़्यादा है, जिनको ऑटोमेटिक प्रीफर करना है, ऑटोमेटिक व्हीकल है. एलिगेंस है, टॉप ऑफ द लाइन है. ये भी फुल्ली लोडेड व्हीकल है. Okay. 2016 की, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है एंड किलोमीटर 75,000 किलोमीटर ड्रिवन है. ओके. डीजल कार है, शैम्पेन गोल्ड कलर है. अच्छा. और इसकी प्राइस है 6.5 लाख रुपीज़. 6.5 लाख रुपीज़. जिसको वेंटो नहीं चाहिए वो रैपिड में भी शिफ्ट कर सकता है. सब ऑप्शन तो रिजवान भाई के पास भाई रहते ही है. एंड आ जाओ एक बार, जो कोई भी गाड़ी चाहिए, मैं पहले भी बोलता हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, अगर गाड़ी का वर्ड आता है आपके माइंड में, आ जाओ मिलेनियम कार जोन डीलरशिप पर रिजवान भाई के पास. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट व्हीकल अगेन हमने लो बजट सेगमेंट वाली पे फोकस किया हुआ है. 2008 की हमारे पास में डिजायर है. अच्छा. विच इज़ फॉर 1,75,000 ओनली. पहले सस्पेंस पहले खोल देते हो आप. किलोमीटर बताओ. किलोमीटर्स चली हुई है 75,000 किलोमीटर. 2008 की डिजायर, VXI, प्योर पेट्रोल है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, ब्लैक कलर है भाई. खाली रिजवान भाई के पास मिलेगी. इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट कर सकते हो. चलते हैं गाइस नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट कार, नेक्स्ट व्हीकल है हमारे पास में मारुति की 2011 की SX4 डीजल. डीजल VDI. टॉप मॉडल है मींस? नहीं, टॉप मॉडल नहीं है, ZDI इज द टॉप मॉडल. ये बेस मॉडल भी नहीं है, मिड ऑफ द मॉडल है VDI. व्हाइट कलर की व्हीकल है, 2011 मॉडल. वो आ जाएगी आपको 2.5 लाख रुपीज़ में नेगोशिएबल. 2.5 लाख रुपीज़ मारुति XX4, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट कार फिर. नेक्स्ट व्हीकल हमारे पास में प्रीमियम सेगमेंट में 2012 की ऑडी A8 है. क्या बात है भाई, प्रीमियम भी कोई ऐसी वैसी प्रीमियम नहीं भाई, जन्नत वाली गाड़ी दिखाएंगे आपको. ब्लैक कलर है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है. ओके. और 75,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सिंगल हैंडेड यूज़ है. ओके. और जैसा फोटोज़ में दिख रही है व्हीकल, एज इट इज़ वैसी ही आपको दिखेगी व्हीकल फिजिकली भी. उसकी प्राइस है 18 लाख रुपीज़. 18 लाख रुपीज़ में इतनी प्रीमियम गाड़ी जो कि नहीं क्या टच करती रिजवान में, आप बता दो. नहीं जाती है ये 1.10 के आसपास. 1.10 शॉर्ट फॉर्म में बोले, बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, 1.10 CR बोल रहे रिजवान भाई. एंड CR का मतलब होता है करोड़. इंटरेस्टेड हो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं. 18 लाख रुपए उसमें भी मान सम्मान माई कार माई ड्रीम फैमिली के लिए हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट व्हीकल हमारी है 2014 की 530D. ओके. लग्जरी लाइन, टॉप एंड वेरिएंट है. क्या बात. 530D BMW 5 सीरीज 2014 की, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है. ओके. किलोमीटर्स इट इज 72,000 किलोमीटर, जेन्युइन विद सर्विस हिस्ट्री है. और गाड़ी के अंदर एडिशनल फिटिंग वगैरह भी काफ़ी लगा हुआ है. ओके. ये गाड़ी आ जाएगी आपको 22.5 लाख रुपीज़ में. 22.5 लाख रुपीज़ में. रिजवान भाई मेरे बहुत से भाई है जो ऑडी मर्सिडीज़ का शौक रखते हैं, लेकिन वो लोग लेने से डरते हैं कि भाई मेंटेनेंस ऐसा है. ये एक चीज़ क्लियर कर दो. मेंटेनेंस ऐसा है कि देखिए, अगर आप प्रीमियम व्हीकल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली उसका इंडियन कार के कंपैरिजन में उसका मेंटेनेंस सर्विस वगैरह उसकी एक्सपेंसिव रहती है. बट इट डजंट मीन के वो व्हीकल आपको काम निकालेगी,
और सीधा लाख रुपए आपका एक्सपेंस जाएगा या 2 लाख एक्सपेंस जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट. इट्स डिपेंड अपॉन योर यूजिंग, आप किस तरीके से उसको यूज करते हो. right. अगर आप उसको संभाल के इजीली अगर आप ड्राइव करते हो, आप खड्डे वगैरह में उसको अगर नहीं डैमेज करते हो, तो व्हीकल आराम से लॉन्ग टर्म चलती है. ओनली द थिंग इज यू हैव टू मेंटेन द कार. जिस तरीके से आप घर मेंटेन करते हो, उसी तरीके से आप गाड़ी भी अगर पर्सनली अच्छे से अगर मेंटेन करोगे तो गाड़ी कभी आपको ट्रबल नहीं देगी. राइट राइट, बहुत बढ़िया जी. तो इंटरेस्टेड हो BMW 5 सीरीज का भी ऑप्शन है डीजल वेरिएंट में, इसका भी एवरेज काफी अच्छा है, आई थिंक बहुत अच्छा एवरेज है. ये भी देती आपको अराउंड 12-13 का एवरेज तो देती आपको सिटी के अंदर. बहुत बढ़िया जी, प्रीमियम गाड़ी में इतना अच्छा एवरेज मिल जाए और क्या चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट कार लो सेगमेंट में हमारे पास में प्रीमियम व्हीकल में एक और ऑप्शन है. ओके, क्या बात? जिनका बजट 10 लाख के अंदर अगर है okay. तो दे कैन गो फॉर 2011 ई क्लास मर्सिडीज ई क्लास E250. मतलब ऑडी BMW मर्सिडीज सब लेके आ गए रिजवान भाई आप लोगों के लिए. बहुत बढ़िया जी, हमने एक्चुअली वही सोच के हमने तीनों ऑप्शन रखा हुआ है. मर्सिडीज भी रखा हुआ है, BMW भी और ऑडी भी, क्योंकि काफ़ी लोग का डिमांड रहता है कि मर्सिडीज रिक्वायरमेंट है. फिर कुछ लोग बोलते हैं मर्सिडीज नहीं, हमको BMW रिक्वायरमेंट है. और इंशाल्लाह अभी तो सेडान व्हीकल है, जैसा जैसा हमारे व्यूवर्स का डिमांड आते जाएगा SUV भी अगर अरेंज अगर होगा तो हमने SUV जैसा लास्ट टाइम हमने Q7 दी थी उसी तरीके से हम SUV और भी अरेंज करवा देंगे. अभी हमारे पास में लो सेगमेंट के अंदर 2011 की मर्सिडीज E250 है. वाइट कलर, सिंगल हैंडेड ड्रिवन एंड इट हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वगैरह सारे चीज़ वैलिड है उसके. 70 के आसपास चली हुई है व्हीकल. इमैकुलेट कंडीशन में है वो भी व्हीकल. ऑल अराउंड अगर आप देखोगे इंटीरियर वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन है. क्या बात, वो व्हीकल आ जाएगी आपको 8,99,000 में. भाई 8,99,000 में मिल जाएगी आपको मर्सिडीज ई क्लास. बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ये गाड़ी भी नई 60+ ही आई थिंक. तो हाँ, ये भी व्हीकल आती है 65 लाख रुपीज़ की, ब्रांड न्यू. इफ यू गोइंग फॉर अ ब्रांड न्यू व्हीकल 65 लाख रुपीज़ की व्हीकल है. और 8,99,000 में भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए. राइट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रिजवान भाई. चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट कार फिर नेक्स्ट व्हीकल है हमारे पास में लो सेगमेंट में 2010 की i10 है. ओके, वाइट कलर, मैग्ना मॉडल है. ओके, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है. 2010 की न्यू शेप व्हीकल है. अच्छा, वो आ जाएगी आपको व्हीकल 1,99,000 में. 1,99,000 में i10. इसके किलोमीटर बताना भूल गया है. किलोमीटर इसके 60 के आसपास चली. सस्पेंस आप पहले ही खोल रहे हो, अभी बताओ प्राइस. 1,99,000 ओनली, वाइट कलर, सिंगल हैंडेड ड्रिवन. बहुत बढ़िया ऑप्शन है i10, जिसकी भी अगेन मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो आप लोग. इंटरेस्टेड हो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, शॉर्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. चलते रिजवान भाई, मेरे बहुत से भाई है जी जिनका बजट नहीं बन पाता गाड़ी लेने का. करेक्ट, मैंने कहा कोई नहीं, रिजवान भाई है हमारे साथ, दिलवा देंगे. किस बात की टेंशन है, इंशाल्लाह वो भी दिला देंगे हम. हमारे पास में बाइक के रेट में एक व्हीकल है. ओके, 2007 की मारुति की सबसे चहेती. और बाइक की रेट में नहीं चाहिए रिजवान भाई, हमको बाइक की भी आधी रेट में चाहिए. बाइक की भी आधी रेट में दे देंगे. हाँ, ये वही ना भाई, रिजवान भाई की बात. मारुति की वैगनार है हमारे पास में, जो लोगों की एक फेवरेट व्हीकल होती है. ओके, और जैसा भी फेस्टिवल चालू है गणेश चतुर्थी का, तो इसीलिए हमने हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट जैसा बम्पर ऑफर रहता है. इसके पहले किलोमीटर और थोड़ी सी डिटेल बता दो. 2007 की है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है, LXI पेट्रोल विद CNG नहीं है, ये LPG है. अगर जिन हमारे व्यूवर्स को, हमारे कस्टमर्स को, जिनको अगर यूज करना है LPG, अभी काफी कम हो चुका है. बट कस्टमर ने पहले से उसमें LPG लगा कर रखे थे. उसको CNG में आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सचेंज में देकर. और मतलब ये तो हमारा जो रेट है ये प्योर पेट्रोल का ही व्हीकल का ही रेट है. अच्छा, 1 लाख रुपीज वी आर एक्सपेक्टिंग. लेकिन भाइयों के लिए रिजवान भाई हमारे, अब रिजवान भाई के पास आए और एक धमाका ना हो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता रिजवान भाई. फिर हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट हम दे सकते हैं ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल फॉर 85,000. 85,000 में भी मिल जाती है रिजवान भाई के पास गाड़ी. रिजवान भाई, जब भी मैं ऐसी कोई अट्रैक्टिव प्राइस वाली गाड़ी सुनता हूँ तो मेरे माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें AC चलती है? AC है, पावर स्टीयरिंग है इसके अंदर. लो भाई, मतलब आज तो एक्टिवा की रेट भी 85 से ज़्यादा चल गई है. नेक्स्ट कार की ओर. नेक्स्ट कार नेक्स्ट व्हीकल है हमारे पास में रेक्सटन. आपने शायद कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, रेक्सटन सैंगयोंग की कंपनी है और जिनको महिंद्रा ने पूरा प्रमोट किया था. राइट, इट्स अ कंपैरिजन, मतलब आप XUV500 के साथ में उसको कंपेयर कर सकते हो. ओके, ब्यूटीफुल कार, 2013 की व्हीकल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सिंगल हैंडेड है. okay. और नेक्स्ट टू शोरूम वीकेंड से नेक्स्ट टू शोरूम व्हीकल है. वाइट कलर, ऑटोमेटिक विद सनरूफ. क्या बात है भाई,
तो इतनी खूबसूरत व्हीकल के बहुत ही खूबसूरत पैसे होना चाहिए। हाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसके 10 से 12 लाख रुपए तो होनी चाहिए, बट वो मार्केट में चलता है रिजवान भाई, रिजवान भाई के पास नहीं चलता है भाई। मैं बताना चाहूंगा इसकी कीमत है 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज में आपको इतनी प्रीमियम एसयूवी मिल जाएगी भाई, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आई थिंक ये 7 सीटर होती है, ये प्रॉपर 7 सीटर व्हीकल है, 6+1। और इसकी खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसमें सनरूफ वगैरह, मतलब हर चीज है इसके अंदर जो एक प्रीमियम एसयूवी में होना चाहिए, वो एक्जेक्टली प्रीमियम एसयूवी में जो होना चाहिए वो सारी फीचर्स और फंक्शंस है। 7 लाख रुपीज विच इज नेगोशिएबल फॉर आवर व्यूअर्स, स्पेशल डिस्काउंट। माय कार माय ड्रीम का नाम लो, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ जो भी बेस्ट रहेगा वो कर देंगे रिजवान भाई। चलते हैं गाइस नेक्स्ट कार की ओर। रिजवान भाई, नेक्स्ट व्हीकल है हमारी 2016 की CLA। क्या बात है भाई, मतलब प्रीमियम भाइयों को भी डिमांड पूरी करना चालू कर दी रिजवान भाई ने। बताओ इसके CLA हमारी जो है वो रेड कलर है, सिंगल हैंडेड ड्रिवन है एंड व्हिच इज ड्रिवन 26,000 किलोमीटर, ओनली 26,000 किलोमीटर विद पैनारोमिक सनरूफ एंड रेड कलर, स्पोर्ट्स कलर। स्पोर्ट्स CLA में तो मतलब फ्रेमलेस डोर, पूरी स्पोर्टी फील तो है। करेक्ट, एंड CLA लवर्स आई थिंक बहुत ही होंगे आप लोग भी। मॉडल कौन सा बताए? प्योर पेट्रोल 2016 मॉडल। 16 मॉडल के हिसाब से रिजवान भाई ऐसी प्राइस दो कि भाइयों को लगे हाँ भाई रिजवान भाई। 19,99,000 में मिल जाएगी आपको CLA जो कि 16 मॉडल है, नई गाड़ी, ये भी 60+ है आई थिंक, आराम से 60 अबाव है। इंटरेस्टेड हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलते गाइज नेक्स्ट कार की ओर। नेक्स्ट व्हीकल है हमारी E220, जैसा हमने अभी E250 जो 2011 बताया था, 2013 की E220 है विच एज अ हैंड गियर, जो न्यू शेप में आता है हैंड गियर, वो वाली वेरिएंट है ये E220, न्यू गियर बॉक्स वाली व्हीकल है। ये 2013 की सेकेंड ओनर व्हीकल है एंड 72,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ये भी वाइट कलर है, एज यूजल सबका फेवरेट कलर प्रीमियम व्हीकल का। और ये व्हीकल आ जाएगी अपने को 13 लाख रुपीस में भाई। 13 लाख रुपीस में एक और एक ई क्लास है जिनको थोड़ी और ऊपर वाली चाहिए तो उनका भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन के लिए जाने जाते हैं रिजवान भाई। चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर। नेक्स्ट कार फिर नेक्स्ट व्हीकल है हमारी 2012 की X3। ब्लैक कलर, चारों ब्रांड न्यू टायर्स अभी रिसेंटली डाले हुए हैं, फिर पैनारोमिक सनरूफ है, न्यू शेप। लास्ट टाइम हमारे वीडियो में आपने देखा रहेगा ओल्ड शेप व्हीकल X3, राइट। अभी ये न्यू शेप व्हीकल है बिकॉज काफी लोग का डिमांड था कि थोड़ा फाइनेंस वगैरह हो जाएगा तो ज्यादा बेटर होता, उस वजह से हमने ऊंचा मॉडल 2012 का अराउंड 2 इयर्स के लिए उसके ऊपर फाइनेंस वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगा। 2012 की सेकेंड ओनर व्हीकल है, 72,000 किलोमीटर ड्रिवन है, ब्लैक कलर है। और ये व्हीकल आ जाएगी अपने को 12.5 लाख रुपीस में। 12.5 लाख रुपीस में दोस्तों X3 मिल जाएगी आपको, जो कि पैनारोमिक सनरूफ और SUV भी है BMW की। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कांटेक्ट कर सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। भाई प्रीमियम की बात चल रही है तो रिजवान भाई धमाके पे धमाका देने वाले हैं। अभी तो कुछ बड़ा धमाका नहीं है ना, अभी इससे बड़ा धमाका है। लास्ट टाइम आपने हमारे वीडियो में देखा था 999 हमारे पास में 2009 की Q7 थी। आपको याद होगा व्हाइट कलर की 999, काफ़ी डिमांड हुई वो व्हीकल की, जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर इतने डिमांड हुए वो व्हीकल के सिर्फ नंबर की वजह से लोग फैन हो गए थे वो व्हीकल के। व्हाइट कलर थी इसीलिए हमने अभी सेम व्हीकल सेम नंबर की व्हाइट कलर की न्यू शेप LED वाली हम लोग ने फाइंड आउट किया है। Q7 3 लीटर S-लाइन पैनारोमिक सनरूफ। ओनली द थिंग इज इसका किलोमीटर माइलेज थोड़ा ज्यादा है, 1,28,000 किलोमीटर जेन्यून विद एंटायर सर्विस हिस्ट्री, पूरा कंपनी सर्विस हिस्ट्री के साथ में है। 1,28,000 इसकी कीमत है 14,99,000 भाई। 14,99,000 में मिल जाएगी आपको Q7। आज तो भाई रिजवान भाई ने माइंड सेट कर रखा है करोड़ों की गाड़ी आपको लाखों में दिलाने की। ला बोलूँ मैं तो 14 लाख बहुत ही कम है। इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत से भाई है जो कहते हैं कि हमारा बजट नहीं बन पाता है, लग्जरी का शौक रखते हैं, रिजवान भाई है लग्जरी व्हीकल। अभी लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी चीज़ मतलब सफ़र की है, इन द सेंस के क्लाइंट्स का कस्टमर्स के हमारे कॉल आते थे हमारी Q7 के 999 के लिए भी काफ़ी कस्टमर इंटरेस्टेड है। ओनली द थिंग इज उनको फाइनेंस अवेलेबल नहीं था बिकॉज वो ईयर मैटर करता था। अब ये जो व्हीकल है दिस इज 2012 मॉडल, जैसा मैंने बताया X3 पे भी फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा, Q7 के ऊपर भी फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा 2012 मॉडल। ऑफकोर्स ई क्लास तो 2013 है प्योर, तो उसके ऊपर तो 100% आराम से फाइनेंस हो जाएगा, 80-85%।
अब ये जो व्हीकल है Q7, ये 999 जैसा हमारे जो पुराने व्यूवर्स है जो सोच रहे थे थोड़ा फाइनेंस हो जाता, इनफैक्ट 5-6 लाख रुपए भी देने के लिए वो लोग एग्री थे कि 5-6 लाख रुपया 5 लाख रुपए एटलीस्ट डाउन पेमेंट देके बाकी का फाइनेंस हो जाए। भाई ये नंबर ही अगर लिटरली बताओ तो रिजवान भाई आप खुद ही बता दो। तो हमारे पुराने व्यूवर्स के लिए स्पेशली हमने ये नंबर भी फाइंड आउट किया बड़ी मुश्किल से और 2012 का उनको फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। सो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, मुझे कॉल कीजिए। सबसे पहला तो मैं माफी चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी कि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम जेन्यून रीजन। अगर आप देखोगे तो काफी शेड्यूल टाइट रहता है, तो उन व्यूवर्स के लिए हमने अभी डिसाइड किया कि हम एक अल्टरनेट हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है मिस्टर नावेद, मैं उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एनी रीजन सपोज मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो यू कैन कॉल ऑन द अल्टरनेट नंबर ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एंड चाहिए तो आप मैसेज छोड़ दो रिजवान भाई को। जब जी आप मेरे को मैसेज छोड़ दोगे तो इंशाल्लाह 110% आई विल गिव यू अ कॉल बैक। ओके बहुत बढ़िया जी, अब चलते हैं नेक्स्ट कार की ओर। नेक्स्ट कार फिर हमारी नेक्स्ट व्हीकल है द लास्ट व्हीकल, सबकी ऑल टाइम फेवरेट टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओहो रिजवान भाई की भी फेवरेट हमेशा से, मैं कहता हूँ आपको। तो वी हैव 2010 मॉडल सेकेंड ओनर व्हाइट कलर 4x4 इमैकुलेट कंडीशन नीट एंड क्लीन कार। वो व्हीकल आ जाएगी आपको 8.5 लाख रुपीज में। 8.5 लाख रुपीज में आपका फॉर्च्यूनर का शौक भी हो जाएगा पूरा, रिजवान भाई कर देंगे। किलोमीटर 1,45,000 किलोमीटर ड्रिवन है, व्हाइट कलर है 4x4। 1,45,000 फॉर्च्यूनर के लिए कुछ फर्क पड़ता है? फॉर्च्यूनर जैसा मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, फॉर्च्यूनर ऐसी व्हीकल है कि आप उसको अगर प्रॉपर से मेंटेन करके 2 लाख या 3 लाख किलोमीटर भी अगर चला लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। भाई इसीलिए तो लेते हैं लोग फॉर्च्यूनर, इंटरेस्टेड हो कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप में से जो कोई भी इन गाड़ियों में से इंटरेस्टेड है स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो एंड बना सकते हो इन गाड़ी में से कोई सी भी गाड़ी जो आपको पसंद आती है उसको अपनी। एंड अब ले लेते हैं रिजवान भाई से अलविदा। रिजवान भाई ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो कि हमें इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए, और इसी तरीके से हमारी वीडियो आप लाइक करते रहिए, हम और वीडियो बनाते रहेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एवरी वीक हमारा टाइम निकाल के आपके लिए हम वीडियो बनाएं और हमारी गाड़ियां ऐसी ही बिकती रहे और आप लोग का प्यार ऐसी ही बरकरार रहे। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ। एंड एक बात बता दूं, आगे बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है क्यों रिजवान भाई। इंशाल्लाह एट लास्ट वंस अगेन सॉरी फॉर द व्यूअर्स जिनका फोन हमने नहीं रिसीव किया, राइट फॉर जेन्यून रीजन। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के हमने कोई फोन रिसीव नहीं किया, राइट जेन्यून रीजन है था उसीलिए फोन हमारा रिसीव नहीं हो पाया। सो एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत बार सॉरी बोल दी, तो आई थिंक आप लोग को भी कोई शिकायत नहीं है रिजवान भाई से। ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।